आगे क्या मिलता है हम लोगों को? आशंका है कि जंगली जानवर मिल सकते हैं, पुरानी चीजें मिल सकती है, पुराना खंडर मिल सकता है। कहा जाता है कि राजगीर और बिहार इतिहास का भंडार है, जहां बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर हुई है और बहुत सारी चीजें अनएक्सप्लोर्ड है। चलिए गाइस चलते हैं, ये है हमारा डंडा और हम अपना गाड़ेंगे जाके जंगल में झंडा। जो पहाड़ से गिरती हुई आती है आपको यहीं पर दिख सकती है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग इसको अभी और एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही थ्रिल भरा मोमेंट होगा जब हम लोग देखो भाई ये देखो पूरे कांटे हैं इसमें लगे हुए पूरे, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी चीजें हम लोगों को देखने को मिली यहाँ पे, बहुत पुरानी चीजें मिली। हम लोग सारे लोग अंदर जा रहे हैं, ये देखिए आगे असद है, हम लोगों को लीड कर रहा है और हम लोग सारे लोग इस जंगल के अंदर जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलता है, क्या एक्सप्लोर कर पाते हैं इस वीडियो में हम। आप तो ये ऊपर देख रहे हैं आप, ऊपर वाला ये पहाड़ है और इस पहाड़ पे जाने के लिए पैदल अगर जाना चाहते तो यही रास्ता आपको मिलेगा। भाई बहुत ही बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। तो फाइनली हम लोगों ने एक ये पार कर लिया, अब इसको पार करना है हमें। अरे कोई जानवर का आवाज आ रहा है ना। लोग सभी ने डंडा ले लिया है, मेरा भी है, काम दे सकता है हमें बीच में, हो सकता है कि आगे कोई जानवर वगैरह भी हमें मिल जाए तो। चलिए गाइस चलते हैं, ये है हमारा डंडा और हम अपना गाड़ेंगे जाके जंगल में झंडा। ये वो पत्थर है जो पहाड़ से ढुलक ढुलक कर आ जाता है और यहाँ तक आता है। आज एक चीज और है कि पहाड़ों में आपको जो रास्ता है पहाड़ों पे जाने के लिए वो सीधा सीधा नहीं मिलने वाला है, आपको चेंज करना पड़ेगा रास्ता, रास्ता बदल के भी जा सकते हैं। तो हम इस पे जा रहे हैं पहाड़ की तरफ और ये देखिए व्यू जो है हमारे पीछे पहाड़ों का, ये वाला व्यू पीछे जो आपको दिख रहा है मैं टैप करके दिखाता हूँ। ये देखिए भाई ये पीछे वाला पहाड़ का व्यू वाला रास्ता दिख रहा है क्या आप लोगों को? मुझे लगता है कि ये वाला रास्ता पहाड़ पे जाता होगा। सो अभी हम इस रास्ते पे चलते हैं आगे और देखते हैं कि कहाँ से रास्ता हम लोगों को मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। ओ भाई ये देखो ये पूरे कांटे लगे हैं इसमें और इसको हम लोगों को पार करना है। हम लोग फाइनली यहाँ पर आ चुके हैं और पहाड़ हमारे पास बहुत ही नजदीक है। ये आपको यहीं पर दिख सकती है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग इसको अभी और एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही थ्रिल भरा मोमेंट होगा जब हम लोग आगे जाएंगे और देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हम लोग खुद भी नहीं पता कि आगे क्या है, हम लोग कुछ नहीं जानते, बस हम लोग इस जंगल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। आगे खतरा भी हो सकता है और आगे बहुत थ्रिल चीजें, बहुत अच्छे सिनेरियोस एंड हिस्ट्री की पुरानी चीजें भी हम लोग को मिल सकती है। लेट्स गेट इन द फॉरेस्ट। कहाँ तक जाओगे बे? जहाँ तक मंजिल नजर आती है वहाँ तक चले जाएंगे। तो गया किसको मिलता था, क्या मिलता था, दूसरे का घर बस। हाँ फ्रेश गोबर दिखा है हमें, लगता है कि यहाँ पे अभी कोई जानवर आया है। ये देखिए नीचे तो जान को डर लग रहा है भाई। ओ ये बहुत ही मुश्किल पड़ा है और हमें भूख लग चुकी है और शाम के 4:30 बज रहे हैं। बस आधे घंटे में ही यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। अब देखना ये है कि अंधेरे में हम यहाँ पर क्या करेंगे और कैसे वापस जाएंगे। भाई ये देखो कांटों से भरा है ना ये,
भाई हो सकता है कि जहरीला भी हो ये। ये देख कांटे, पूरे कांटे। अशद मुझे फील हो रहा है कि आगे कुछ है, कुछ जानवर अभी भागा था, खोजा जाए क्या? सुनो मेरी बात। ये देखो पहाड़ एकदम पास में, ये पहाड़ अब एकदम हम पहाड़ के करीब हैं। ऊपर जाने है क्या सर? हाँ हम लोग ऊपर चलेंगे और आपको ऊपर से पूरे जंगल का व्यू दिखाएंगे, और आप लोग बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं आगे क्या मिलता है हम लोगों को। आशंका है कि जंगली जानवर मिल सकते हैं, पुरानी चीजें मिल सकती है, पुराना खंडर मिल सकता है, और कहा जाता है कि राजगीर और बिहार इतिहास का भंडार है, जहां बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर हुई है और बहुत सारी चीजें अनएक्सप्लोर्ड है, जिसको साइंटिस्ट और वैज्ञानिक अभी तक खोज रहे हैं। जैसे राजगीर के नालंदा में ही नालंदा विश्वविद्यालय जो खंडर है वो खोजा गया है। बहुत सालों पहले वो एक पहाड़ के शक्ल में था, लेकिन उसको जब एक्सप्लोर किया गया तो उसमें पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी मिली, और फिर इतिहास को जब पढ़ने को पलटा गया तो उसके बारे में पूरी जानकारी हमें मिली, जो कि अभी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और दूर दूर से पूरे दुनिया से लोग उसे उस स्थल को देखने। हम पहाड़ के एकदम नीचे आ चुके हैं, या आप मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हैं एकदम नीचे भाई, बहुत ही तगड़ा व्यू आ रहा है। और हमारे चारों तरफ देखिए क्या है, ये जंगल, दूर दूर तक ना ही कोई जानवर दिखता है, ना ही कोई इंसान है, और ना ही कोई फूल दिखता है आपको, और ऐसा कुछ व्यू आपको दिख रहा है। और एक चीज हमने अभी एक्सप्लोर कर दिया है, उस चीज को हम दिखाते हैं, झील है वो छोटी सी जो कि अनएक्सप्लोर्ड है भाई। यहां से निकलना पड़ रहा है। हाँ रुको आओ, और ये जो झील जो आप देखेंगे अभी वो बहुत पुराना लगता है, इसकी खबर आम पब्लिक को नहीं है, क्योंकि ये जंगल के बीचों बीच हम लोगों ने देखा है, क्योंकि हम लोगों को भी नहीं पता था। और ये इतना खूबसूरत और पुराना झील अगर किसी के नॉलेज में होता तो इसके ऊपर जरूर गवर्नमेंट इसको जरूर विजिटिंग प्लेस, टूरिस्ट प्लेस बनाती, लेकिन ये हमको लग रहा है जहाँ तक कि अनएक्सप्लोर्ड है, जिसको हम लोग अभी दिखाएंगे आपको, बहुत ही मजा आएगा गाइस, बहुत मजा आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसा झील है। भाई बहुत ही लंबा झील है ये, बहुत ही तगड़ा व्यू आ रहा है, पर बात ये है कि बहुत ही गंदा है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि 200 साल लगभग पुराना झील लग रहा है ये। खोपड़ी मत मार दीजिएगा भाई। भाई 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 पीछे देख के मारियो। ओह फाइनली उस पेड़ से हमें निजात मिली और हम यहाँ पर आ गए। जो झील हमने आपको दिखाया था कौन सा, ये वाला ना सर? ये वाला पीछे वाला, ये पीछे वाला झील आप देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है ना, किस तरीके से पत्थर से बना हुआ है ये, वो भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाला पूरा इस पे मतलब सीमेंटेड बनाया गया है, प्लास्टर है ये, और मुझे लगता है कि हो सकता है कि इसमें नीचे सीढ़ियां हैं बनी हुई, हो सकता है कि इसमें जाने का रास्ता हो नीचे से। ये दिखाते हैं आपको शॉट हम इस झील का। भाई कैसे चोट लगा? काटा से। भाई देखो अंदर में, देखो ये पेड़, अंदर में पेड़ है भाई, पेड़। वाह क्या बात है भाई, नेचर देखिए खूबसूरती नेचर की, ये भाई बहुत ही तगड़ा है कसम से, बहुत ही पुराना झील है भाई ये, बहुत ही पुराना लग रहा है। हमको लग रहा है कि भाई 200 साल से कम पुराना ये नहीं होगा, क्या हो सकता है क्या सर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके आप तट को देखें, उसकी मिट्टी पूरी एकदम पुरानी है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर ना ही कोई इंसान ना कोई जानवर आता है, एकदम बहुत पुराना व्यू है, आप लोग खुद देख सकते हैं, आपको कैमरा उधर करके दिखा सकते हैं। ये देखिए भाई अंदर में
पीला पीला हो चुका है अभी पानी, एकदम पीला, हरा से पीला हो चुका है। और ये देखिए आप, पेड़ आपको हमने दिखाया, पेड़ अंदर रुक चुके हैं, पूरा पेड़ है। और यहाँ पर कोई सफाई नहीं है, मतलब मुझे लग रहा है कि अप्रोक्स 200 साल तो हुआ होगा भाई। वाटर प्लांटेशन अंदर हो चुका है, वाटर के अंदर प्लांट है। गाइज यही वो रास्ता है जहां से हम लोग आए थे। और अब और इसी के साथ हमारे बियर भाई ऐसा है कि ये वाला, ये जो नीचे दिख रहा है आपको हल्का सा, ये पानी आ रहा है, ठीक है? तो ये बहुत ही साफ पानी है। दरअसल हो सकता है कि सफाई नहीं होने के कारण इसमें काई वगैरह यहाँ पे लग गया है। तो गाइज ऐसा है कि ये पानी जो है बहुत ही ठंडा है, जैसा कि शामिक ने भी फील किया है। शामिक ठंडा है ना? काफी ठंडा है, बहुत ज्यादा ठंडा है, चिल्ड है ये पानी। देखने में काफी साफ लग रहा है, शायद इसको पी भी सकते हैं, लेकिन मैंने ट्राई नहीं किया है। बिल्कुल ट्राई नहीं किया है गाइज, ऐसा है कि आप लोग भी ट्राई मत कीजिएगा। कैसा पानी भाई? भाई साहब पानी ठंडा, देख कितना ठंडा है भाई। ये पानी शायद उसी झील का है ना जहाँ से हम लोग आए अभी। हाँ ठंडा चिल्ड पानी है, देखिए साफ कितना पानी है। इंफेक्शन का दवाई मत करो यार। हमारा जो ये व्लॉग है वो हो चुका है खत्म। आपको ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूले गाइस, क्योंकि इसको हम लोगों ने पूरे अपने रिस्क को कवर करके ये एक्सप्लोरेशन किया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ पुरानी चीजें, क्योंकि बिहार को इतिहास का भंडार कहा जाता है। तो ये भी एक इतिहास ही है जो कि पहले कभी झील हुआ करता होगा जिसमें लोग पानी पिया करते होंगे। और हमने आपको पास में ही दिखाया था जो अखाड़े का युद्ध था। अखाड़े के युद्ध और इस झील का कनेक्शन दम जरूर हो सकता है कि पास्ट में होगा, इसका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा ही भाई यहाँ पे। तो ये था हमारे साथ मेरा दोस्त असद। और ऐसा है भाई लोग कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को भाई शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको ये अनएक्सप्लोर्ड जंगल कैसा लगा भाई।